नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आज मैं हाजिर हूं आपके सामने शनि राशि परिवर्तन 2022 की गोचर अपडेट को लेकर के। आज हम चर्चा करेंगे शनि के 7.5 प्रभाव के विषय में। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव के राशि परिवर्तन के साथ साथ धनु राशि वालों का पीछा छूट जाएगा 7.5 से। तीन राशियों पर 7.5 बनी रहेगी, मकर, कुंभ और मीन। चांदी का, सोने का या तांबे का कौन सा पाया किस राशि पर रहेगा और यह 7.5 आपको क्या देकर के जाएगी, किस प्रकार के कष्टों से आपको आमना सामना करना पड़ेगा और बेहद प्रभावशाली शनिदेव के उपाय आज की वीडियो में यही बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 11 जुलाई 2022 तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। वक्र अवस्था में 11 जुलाई को पुनः मकर राशि में चले जाएंगे। तो आज का फलादेश 29 अप्रैल से लेकर 11 जुलाई तक है। मकर राशि से दूसरे भाव में शनि रहेंगे धन भाव में। आकस्मिक धन हानि के योग बने रहेंगे। व्यापारिक उलझनों से आपका आमना सामना होता रहेगा। द्वितीय भाव में शनि होने से आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, लेकिन तांबे का पाया आपकी राशि में उसका प्रभाव होने से आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी आपको बनेगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए स्वराशि में शनिदेव की स्थिति होने पर पारिवारिक और व्यापारिक उलझने बिल्कुल बनी रहेंगी। आपको छोटी छोटी टेंशनों का सामना एवरीडे करना पड़ेगा, लेकिन चांदी का पाया होने से आपको आकस्मिक धन लाभ के योग भी रुक रुक कर बनते रहेंगे। मीन राशि से, चूँकि मीन राशि पर आती हुई 7.5 है, 7.5 सीधी मीन राशि वाले जातकों के सर में है, तो 12वें शनि होने से अपव्यय, बिना मतलब के खर्चे, बहुत ज़्यादा खर्च, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। यात्रा में भारी मानसिक और आर्थिक कष्ट, टेंशन तनाव का माहौल बनेगा। पैर में चोट का योग रहेगा। वाहन को बहुत ज़्यादा सोच समझकर, चिंतन मनन करके ही चलाएं और साथ ही साथ में पत्नी से बड़ा भारी मतभेद भी आपका बनेगा। यहाँ पर सोने का पाया होने से बहुत बढ़िया परिस्थिति कुल मिलाकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि के इस गोचर काल में नहीं रहने वाली है। 12वें शनि को बढ़िया नहीं माना जाता। बात कर लेते हैं तीनों राशियों के लिए उपाय के बारे में। शम शनिश्चराय नमः, यह शनिदेव का सिद्ध मंत्र का शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक शनि की ओरा में जाप करने से आपको तकलीफ में काफ़ी बड़े स्तर पर आराम पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। काले तिल के लड्डू बनाकर शनिवार के दिन शनिदेव या भैरव जी के मंदिर में या महाकाली के मंदिर में भोग लगा करके इसका प्रसाद बांटे, यह भी एक बेहद प्रभावशाली उपाय माना जाता है। साथ ही साथ ओम दुम दुर्गायै नमः, यह मंत्र का जाप करना भी आपको समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। कामना करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।